Action. गिर जाओगे आप, वहां से उतर जाओ। हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग मस्त और मजे में होंगे। तो गाइज, बहुत ही ज्यादा लंबा 1 मंथ का गैप हुआ बीच में। इस बीच बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, गालियां भी दे रहे थे, भाई क्या मर गया क्या, YouTube का पासवर्ड भूल गया क्या, वीडियो क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया भाई, क्या चल रहा है मुंबई में, ऐसे कुछ करके मैसेज आ रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे अपने ही पर्सनल रीजंस थे, बहुत बिजी भी था मैं, तो वीडियो नहीं बना पाई। तो गाइस, इस बीच बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई मेरे साथ, बहुत से बुरी चीज़ें हुई। इसको मैं ब्लॉग बना के डालता तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो देखते, अब थोड़ा रेगुलर बनाने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन यार, ये कोशिश करूंगा मैं हमेशा बोलता हूं, लेकिन बनाता नहीं हूं। लेकिन अब शायद थोड़ा रेगुलर कर सकता हूं, क्योंकि इससे पहले जितने भी मतलब जो चीज़ें थी जिनके वजह से मैं थोड़ा बिजी रहता था, जिस काम में मैं उलझा हुआ था, वो सारी चीज़ों को मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं और थोड़ा फ्री होने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब शायद मैं थोड़ा अच्छे से वीडियो रेगुलरली बनाने के लिए मुझे टाइम मिले। आज कल ही की बात है, हमने मुंबई के सबसे बड़े एंड एक्सपेंसिव ऑडिटोरियम में प्ले किया था, जो कि है मुक्ति मंच अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स के ही बिल्डिंग में पड़ता है। वही बिल्डिंग में है ऑडिटोरियम और वहाँ पर हमने प्ले किया था। बहुत ही एक्सपेंसिव है, 60,000 चार्ज करते हैं एक प्ले करने का। हमने वो प्ले किया, लेकिन वो भी फ्री में एक प्ले किया, क्योंकि हमें स्पॉन्सर मिला था किसी ग्रुप से। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी तरीके से हुआ। लेकिन मैं फिर भी व्लॉग नहीं बना पाया कल भी, बहुत सारी चीज़ें। कल मेरा यार बैग खो गया था पूरा, कॉस्ट्यूम का, मेरा जो भी मुझे पहनना था बैग, मेरे कस्टम्स थे वहाँ पर, अब से के कस्टम थे और बहुत सारी चीज़ें थी, तो मेरा बैग भी खो गया वहाँ पर। बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, ब्लॉग शुरू तो किया था बनाने के लिए, लेकिन बीच में बैग खो गया। मैं बैग के लिए दौड़ रहा हूँ पूरा अंधेरी में, दिमाग ख़राब हो गया था गाइस। आज हमारा शूट है, आज कल 2 दिन का शूट है हमारे ट्रू कैम फिल्म से। हम फिर से एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं, वैसे हम मंथ में 2-3 वेब सीरीज़ शूट करते रहते हैं। तो आज हम एक इक्वेशन नाम करके वेब सीरीज़ शूट कर रहे हैं, इधर ही मुंबई में मीरा भाईंदर वेस्ट में शूट चल रहा है, उधर एक रिजॉर्ट हमने बुक किया है। तो अभी हम निकलने वाले हैं 10-15 मिनट में, चलते क्या क्या होगा शूट में, बिहाइंड द सीन में कितने मज़े करेंगे हम, कैसे शूट करते हैं, सारी चीज़ें देखते रहेंगे। बने रहे वीडियो का लास्ट तक, आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि शूट लोकेशन पे हम कैसे जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे सामान है, बहुत सारे प्रॉप्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे फैला के रखा हुआ है। तो अगर हम कैब बुक करने वाले थे, अगर कैब बुक करें तो कैब वाले देख के भाग जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए हम थोड़ा सा देख रहे हैं क्या कैसे जाए कहाँ पर। ये हमारे प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर ये हमारा स्पॉट बॉय इतना हैंडसम स्पॉट बॉय रहेगा। आई एम स्पॉट बॉय और कभी जरूरत पड़ी तो मुझे बुला सकते हैं, मैं फ्री में काम नहीं करूंगा। स्पॉट बॉय का भी मैं 10,000 लेता हूँ पर डे का। बैठ के छिल गया पूरा, 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं पूरा, 30-40 किलोमीटर। देखो मीटर में कितना पैसा हो गया, देखो जंगल में आगे अंदर अंदर नाम इंडिया है। तो बहुत शांत सा जगह है, बहुत अच्छा है, शूट लोकेशन में देख के लिया है, बहुत मज़ा आएगा, गांव वाला फीलिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है गांव जा रहे। देखो गाय, अरे दिखा के नहीं, 4 गाय थे यार भाई, जन्नत है यार। ओए ओए, माँ कसम बढ़िया है यार, कैसी जगह, ड्रोन चाहिए यार बस। एक तो आ जाएगा ना, हाँ थोड़ा पकड़ रस्सी संभाल ले, पकड़े हुए संभालना भाई। लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर कचरा वगैरह रखते हैं, देखो पूरा कहाँ यार, मुंबई का कचरा इधर ही आता है शायद पूरा। देखने से तो भाई जन्नत है, जन्नत जुबेर नहीं, जन्नत लोग रहते हैं यार उधर भी। तो गाइस, बहुत ही बढ़िया लोकेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं शूट के लिए, कौन सा सीन के लिए कहाँ मतलब हम ले सकते हैं, यहाँ पर एक सीन ले सकते हैं, पकड़ लिया हमने, ठीक है। तो कुछ और जगह देखने जा रहे हैं, अभी हमारे सारे टीम के मेम्बर आए नहीं है, डायरेक्टर सर आ रहे हैं पीछे से, हम पहुँच गए हैं, निकल रहे हैं लोकेशन देखने के लिए। ऐसे जगह पर घर लूँगा यार मैं भी, जब पैसे होंगे, जब कुछ बढ़िया काम करने लग जाएंगे, तो फिर ऐसे जगह पे घर लूँगा, फिर वीकेंड में आया करूँगा, मज़े करूँगा। अगर ड्रोन
महेंद्र 10 किलोमीटर है यार। महेंद्र 10 किलोमीटर हाँ। तो गाइस हम लोकेशन पे तो आ गए, शूट आउट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा झोल हो गया है। वानिया एक कैरेक्टर कर रही है, एक लड़की पूनम नाम की, वो थोड़ा लेट आ रही है, तो अमन टेंशन में इधर, क्योंकि अमन को काम दिया गया था वानिया सर्च करने लगा आर्टिस्ट लोगों को बुलाने के लिए। अमन को काम दिया गया था और सबसे पहले वानिया का ही शॉट लगने वाला है, लेकिन वो सबसे लेट आ रही है, 10 किलोमीटर पीछे है। तो सोचिए अब कितनी गाली पड़ने वाली है अमन को। कोई बात नहीं अमन, मैं साथ में हूँ, मैं भी थोड़ा सा गाली ले लूँगा, ठीक है। तो देखिए लोकेशन कुछ ऐसा है, हम यहाँ पर बहुत बेहतरीन जगह पे आए हैं, लोनावला जैसा लग रहा है, उससे भी बेहतर है जगह। सीन बहुत मस्त है यहाँ पर, जगह बैठ के शाम में कुछ माहौल बना सकते हैं यहाँ पर बैठ के, लेकिन हम यहाँ पर अभी काम करने आए तो काम पे फोकस। लाइट जला हुआ लाइट। और गाइज देखो मैं BTS भी शूट कर रहा हूँ, देखो कैमरा 200D Mark II है ये कैमरा, और अभी ये ब्लॉग जो है मैं फ़ोन पे बना रहा हूँ और हाथ में कैमरा लेके घूम रहा हूँ BTS करते हुए। ऐसी ज़िंदगी चल रही हमारी, ठीक है। तो अभी दो ही एक्टर्स आए हैं, सारे एक्टर्स आए हैं नहीं, बाहर है सब लोग। सबसे लीड के दो एक्टर्स आए, लीड जो कर रहा है लड़का और लीड जो कर रही है लड़की, सेजल और देवांग करके उनके कैरेक्टर का नाम है, ठीक है। तो ये है सिमरन, हाय, आप क्या क्या संभाल रही है आज? मैं कॉस्ट्यूम में हूँ, मैं हेयर मेकअप में हूँ, बस और कितना करूँ मैं। और वही तो यही बढ़िया है, कॉस्ट्यूम हेयर मेकअप बहुत खतरनाक है, तीन काम। और मयंक सब बढ़िया, सब काम चल रहा है, सही चल रहा है ना? क्या कर रहे हो, क्या क्या देख रहे हो आज? कंटिन्यूटी देख रहे हो और प्रॉप्स देख रहे हो, कंटिन्यूटी और प्रॉप्स। कंटिन्यूटी मतलब सीन में क्या क्या चल रहा है, कैसा कुछ, सब कुछ देख रहे हैं और प्रॉप्स वगैरह देख रहे हैं, सब बढ़िया। अमन क्या देख रहे हो आज? रास्ता देख रहे हो, रास्ता ही देखते रहो बस। और ये है हिमांशी, और ये सेजल का कैरेक्टर कर रही है, लीड कैरेक्टर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मेरे साथ काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपके साथ काम करके, मैं सौभाग्य जैसा फील कर रही हूँ। अरे वाह वाह, मेरे फॉलोअर्स लोग आज खुश हो जाएंगे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गाइज ये है हमारे लीड एक्टर लीड एक्टर देवांग के नाम, आपका नाम सामर्थ आपका नाम नेहा, और मैं प्रियंका का कैरेक्टर, बहुत मजा आएगा। चलिए तो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। अरे नहीं, पानी लेके हम बैठे, अब आग लगा दीजिए। ब्लॉग बना रहे हो ना भाई? हाँ ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे तो भाई आप कैरेक्टर कर रहे हैं सनी का, बहुत ही फनी कैरेक्टर है, बहुत मस्त कैरेक्टर है, ठीक है। तो जो आएगा देख लेना मस्त। तो आपका रियल नाम? विभव मिश्रा। हाँ बढ़िया, तो आग लगा देंगे सेट में सब लोग मिलके। तो गाइस ये है हमारा लाइट, अभी भी नया नया लिया है हमने, देखो बोर्डेक्स का। डायरेक्टर सर चिल्ला रहे हैं। तो ये हमारे डायरेक्टर सर बहुत ही कीप एंड काम रहते हैं, बहुत ही कूल रहते हैं। आज मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी फोन नहीं लगता, सुबह से फोन लगा रहा हूँ, लगी नहीं। हाँ बहुत प्रोफेशनल तरीके से हम इस बार शूट कर रहे हैं, लिलीपुट लगा हुआ है यहाँ पर। लिलीपुट मतलब आप लोग होता है एक बार, लिलीपुट यहाँ पर डिस्प्ले दिखता है कैमरे में जो शूट हो रहा है, और कैमरा है Sony AS3, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया, नेटफ्लिक्स के एक सीरीज जिससे शूट हुआ था, बहुत बेहतरीन कैमरा है, मस्त है। तो गाइस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ हमारा शूट, लग रहा है बाहर सेट, कुछ देखिए कहाँ पर लग रहा है सेट, बाहर लग रहा है ना उधर, वो वहाँ पर सेट लग रहा है थोड़ा सा, कैसे रेस्टोरेंट का कुछ खाने पीने का शूट चल रहा है। रोनी भाई यहाँ पर कुछ प्लग वगैरह लगा रहे हैं, कुछ सेट हो रहा है, हमारे एक्टर्स अंदर आ चुके हैं सब। हाँ लोग तो आप लोग, आप कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं? रिया और आप पुलिस इंस्पेक्टर का ना? इंस्पेक्टर रियल नाम है आपका? आई एम आयरा। आपका नाम? सूरज। सूरज तो आई सूरज सिंह राजपूत। आप लोग कैसा लग रहा है मेरे साथ शूट करके? बहुत ही, अभी तक आपके साथ काम तो किया है नहीं, मेकअप देख कर पता। हाँ हाँ अच्छा लगा, होपफुली अच्छा। थैंक यू, मेरा भी लिख लिया, मेरा भी आपने किया नहीं है, करेंगे कल इस्तेमाल करेंगे। अरे अरे मजा आएगा। हाँ मैं ही करूँगा ना, प्रोफेशनल हूँ मैं। हाँ हाँ बढ़िया करूँ, ओके। तो भाई मज़ा आ रहा है, अंदर देखे हमारे। ये क्या पहन के आ रही है?
ये बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप इनसे मेकअप कराओ आपकी पूरी आंखों को ये ऑरेंज कर देंगे। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। लेट आए लेकिन हम सामान लेने गए। कैसा लग रहा है मेरे साथ काम करके? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, आपका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहे और हम आपके साथ काम करेंगे हमेशा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अरे काम करेंगे, बढ़िया करेंगे, आग लगा देंगे। बस थोड़ी इनको बताओ, थोड़ी देर और थी वरना फिर अमन भाई बन जाते। वानिया ये वानिया है, लेट आई आज इसलिए सब लोग। सॉरी मैं लेट हो गई, मैं गुस्सा हूँ। और वाशी से यहाँ पे कैरेक्टर बदलने वाला था आपका मैडम। बात नहीं आई आई ओके। तो भाई अभी थोड़ा सा सेटअप लग रहा है यहाँ पर, एक सीन है, ऐसा रेस्टोरेंट का सीन है, इसलिए यहाँ पर कुछ लगा रहे। देखो आसपास कुछ भी नहीं है, बस एक ही टेबल है, थोड़ा सा चीट करके दिखा रहे हैं हम कहीं ताकि लगे कि ये रेस्टोरेंट है। करके आवाज कम आ गया। अरे गिर जाओगे आप, वहां से उतर जाओ। एक्शन। तो गाइस रात के टाइम में ऊपर टेरेस में सेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रेस्टोरेंट है ऊपर, ऐसा कुछ दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है ये यहाँ पर टेरेस है। बहुत बहुत छोटा सा जगह है यहाँ पर, फिर भी मेहनत करके हमने ये बनाए हैं। देखिए ऐसा नज़र यहाँ। तो गाइज हम यहाँ पर 11 बजे आ चुके थे और 12 बजे हमने एग्जैक्टली शूट स्टार्ट किया था। तो अगले दिन पूरा अभी सुबह हो के 7:30 हो चुका है, अभी तक हम शूट कर रहे हैं, बीच में ब्रेक लिया नहीं है, पूरा भूखे प्यासे। मैं खाना खाया था 2-3 बार, फिर भी भूख लगी है, थकान बहुत है यार। कितना टाइम हो गया, 24 घंटे होने वाले, फिर भी शूट कर रहे थे। कितने लोग मरे हुए यहाँ, मतलब सो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग यहाँ पर सो रहे हैं पूरा। और ये सो गया था, मैंने उठाया इसको अभी भी, और मैं तो सोया नहीं अभी तक, मैं तो पूरा एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो रहे थे भाई, आधी टीम सो चुकी है, उन्होंने एक ब्रेक लिया था और उठ गए हैं। बैरी एंड रे हम दोनों 24 घंटे से पूरा सब लोगों को एनर्जी बांट रहे, एनर्जी दे रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी इतनी भरी हुई है ना, हम नहीं रुके। हाँ, हम रुकते ही नहीं, हम रुकने वालों में से है ही नहीं, रुकने वालों में से है ही ना, ऐसा ही सही बात। हाँ चलो, कुछ नहीं, आराम से घूम रहे हैं, 2-3 लोग सो रहे हैं, आइए यहाँ को ले चलते हैं, चलो शूट शूट करते हैं। तो भाई जा रात भर शूट करने के बाद थकान में फ्रिज में खाना देखते हुए हमारे डायरेक्टर से, और खाना ना मिलने की वजह से कॉफ़ी का पैकेट ही चाहिए। अबे आकर नींद नहीं है, पानी दे दे मेरे को। हाँ वही मेरे को पानी। ये ब्लॉग देख के आप लोग मतलब इंस्पायर हो रहे होंगे, अरे मजे करते हैं ये लोग सेट में भाई, मर जाते हैं लोग, खड़े खड़े मर जाते हैं इधर। गाली मत दी। नहीं डालूंगा ऐसे। ये देखो यार। मैं कहीं पे भी पहुंच जाता हूँ, ये देखो यार क्या हो रहा है, खड़े खड़े बॉटल पूरी कॉफी खा गया, अभी भी उसके अंदर से निकाल दो। अरे ये बॉटल हम बहुत एनर्जी। चलो चलो करो गाइस, मैं कहता हूँ सब लोग नहा लेते यार। यहाँ पे हमारे रोशन सर हैं जो यहाँ के DOP हैं, हेड DOP हैं एक्चुअली, और अभी वो अपने डायरेक्शन में, सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे, सीन चल रहा है यहाँ पे जो अभी देख रहे हैं, और ये हमारे रोशन सर। गाइस रैप अप हो चुका है, तीनों कार्ड किसके पास हैं? लगभग मैंने दे दिया है। शूट, लंबा शूट के बाद अभी रैप अप हो चुका है सब। कैसा लगा अमन? अरे बहुत मजा आया, ये शूट एक अलग ही शूट था, देख रहे हैं सब कैमरा इसका ऐसी हो गई है, और
मैं तो बहुत एनर्जेटिक हूँ अभी तक, कल से 24 घंटे अराउंड हो चुके हैं शूट करते करते, मगर मैं जैसा आया था वैसा ही मैं भी बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, कोई शूट खत्म होने के बाद बहुत ही थके हुए थे इसलिए आकर हम सो गए। अभी 12 घंटे के बाद मैं उठा हूँ, बहुत थका हुआ था, अभी भी बॉडी में थोड़ा पेन जैसा लग रहा है। और कुछ सीन्स बचे हुए थे हमारे शूट करने के लिए, यहीं पर वर्सोवा बीच के पास में कुछ सीन्स लेने वाले हैं, एक रेस्टोरेंट का सीन है जो यहीं पर लेने वाले, पोस्टपोन्ड हो गया है। एक वन वीक, आफ्टर वन वीक हम वो शूट करेंगे और अभी नए कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो भाई जब ऐसे वीडियोज़ रेगुलरली आते रहेंगे, इस वीडियो को यहीं पर रैपअप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ओके बाय।